नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति, असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स, आज UGSTAT 101 स्टैटिस्टिकल मेथड्स के ब्लॉक 4 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के यूनिट 8 बायवेरिएट डेटा एंड कोरिलेशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। UGSTAT 101 स्टैटिस्टिकल मेथड्स ब्लॉक 4 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन टू वेरिएबल्स एंड एसोसिएशन, इसके यूनिट 8 बायवेरिएट डेटा एंड कोरिलेशन। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद क्या बेनिफिट्स होंगे, स्कैटर्ड डायग्राम क्या है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, लिमिट्स ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट्स, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन द कोरिलेशन कोफिशिएंट, एंड आफ्टर दैट इन सब के बाद उसकी समरी कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद हमने क्या क्या सीखा। ऑब्जेक्टिव्स, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू डिस्कस बायवेरिएट डेटा एंड स्कैटर डायग्राम, डिफाइन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब बायवेरिएट डेटा, बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इससे पहले के लेक्चर्स को अगर हम देखेंगे या अगर याद करेंगे कि पहले के लेक्चर्स में क्या था, किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया था, तो वहाँ अगर हम एक फ्रीक्वेंसी को लेकर के चल रहे थे तो वो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। यहाँ पर हम दो फ्रीक्वेंसीज को लेकर चलेंगे, सपोज़ एक्स आई वाई आई, दो फ्रीक्वेंसीज हैं हमारे पास, आई की वैल्यूज़ 1-2 से लेके एम तक और जे की वैल्यूज़ 1-2 से लेके एन तक हैं, और इनका जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पेयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स आई वाई आई का, वो हमारा बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और जो फ्रीक्वेंसी है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी एफ आई जे, ये हमारी पेयर्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। दिस यूनिट कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, इन जनरल टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी रिलेटेड इफ दे वेरी टुगेदर इन द सिस्टमैटिक फैशन ऑफ इफ टू वेरिएबल चेंज इन द सेम डायरेक्शन, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास सेम डायरेक्शन में है, आइदर बोथ इंक्रीज और बोथ डिक्रीज, या तो दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, एक्स और वाई जो दो वेरिएबल्स हैं, या तो वो दोनों इंक्रीज कर रहे हैं या वो दोनों हमारे डिक्रीज कर रहे हैं, देन दे आर सेड टू बी पॉजिटिवली रिलेटेड। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों वेरिएबल्स या तो इंक्रीज कर रहे हैं तो भी वो पॉजिटिवली रिलेटेड है, और अगर दोनों के दोनों डिक्रीज कर रहे हैं तो भी वो पॉजिटिवली रिलेटेड हैं। इफ़ वेरिएबल्स चेंज इन पोजीशन डायरेक्शन, मतलब एक वेरिएबल अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है, तो दे आर सेड टू बी निगेटिवली कोरिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल्स लेवल ऑफ एजुकेशन एंड लेवल ऑफ इनकम आर एक्सपेक्टेड टू बी पॉजिटिवली रिलेटेड, वाइल लेवल ऑफ एजुकेशन एंड लेवल ऑफ प्रोड्यूसाइज आर निगेटिवली रिलेटेड ऑल्सो। द वेट ऑफ एडल्ट डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑन द हाइट। सिमिलरली देयर आर वेरियस फंक्शनल फॉर्म और शेप्स इन विच टू वेरिएबल्स माइट बी रिलेटेड, हाउ एवर इन दिस यूनिट वी विल बी कंसर्न विद लीनियरली रिलेशनशिप ओनली बिटवीन द वेरिएबल्स। इस यूनिट में हम केवल और केवल लीनियर रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप्स हैं, और जो कोरिलेशन हम निकालेंगे वो लीनियर रिलेशनशिप के लिए ही फाइंड आउट करा जाएगा। स्कैटर्ड डायग्राम क्या होगा, हमारे पास दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं एक्स आई वाई आई, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, y के डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, उनको अगर हम x और y प्लेन पर अगर हम उसको प्लॉट करते हैं, एक x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस ले लिया और उस पर अगर हमने प्लॉट किया तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आएगा। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तो अगर ये एग्जांपल अगर हम लेते हैं केस वन 2, 3, 4 से लेके 15 तक हमारे पास नंबर है, x वेरिएबल की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं और y वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, केस वन के करस्पॉन्डिंग 7 और 9, 2 के करस्पॉन्डिंग 12 और 16, इसी तरीके से 15 के करस्पॉन्डिंग 13 और 18 वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये हमने ले लिया, एक्स एक्सिस पर एक वैल्यूज़ ले ली, वाई एक्सिस पर वाई की वैल्यू ले ली 7 और 9,
ये 7 यहाँ पर x एक्सिस का, y एक्सिस पर 9, तो ये डॉट आया। नेक्स्ट है हमारे पास 12 और 16, 12 और यहाँ पर 16, तो ये डॉट हमारे पास आया। इस तरीके से ये सारे डॉट्स को हमने इसके थ्रू यहाँ पर प्लॉट किया, तो इस तरीके का ये जो हमारे पास डॉटेड डायग्राम आया है ये स्कैटर डायग्राम कहलाता है। कुछ इस तरीके के और भी स्कैटर डायग्राम होते हैं, लीनियर, निगेटिव, मॉडरेट। अगर इस तरीके का डायग्राम है तो वो लीनियर डायग्राम कहलाता है, लीनियर स्कैटर डायग्राम कहलाता है। फिगर 1.2b में नॉन लीनियर डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर यू शेप में दिया हुआ है। हेट्रोसैडिस्टिक डायग्राम, अगर हम एक लीनियर लाइन वहाँ पर खींचते हैं तो कुछ पॉइंट्स बहुत दूर दूर पर होते हैं, वो फैले हुए काफ़ी स्कैटर डायग्राम है, इसलिए उसको हेट्रोसैडिस्टिक डायग्राम बोलते हैं। होमोसैडिस्टिक, लीनियर लाइन के आसपास ही सारे डॉट्स हैं, तो ये होमोसैडिस्टिक। पॉजिटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन एंड ज़ीरो कोरिलेशन, किसी भी स्कैटर डायग्राम को देख करके अक्सर ये पता चल जाता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, निगेटिव कोरिलेशन है या फिर कोई कोरिलेशन नहीं है, ज़ीरो कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है वैल्यूज़, निगेटिव कोरिलेशन वैल्यूज़ डिक्रीज कर रही हैं, और ज़ीरो कोरिलेशन कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बना है, सब स्कैटर्ड है, इसलिए वहाँ पर कोरिलेशन ज़ीरो है, यानी कि दोनों वेरिएबल्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं। नाउ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोरिलेशन एनालिसिस इज टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब कोरिलेशन कोफिशियंट अगर हम देखते हैं, फॉर मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, we use the product moment correlation coefficient defined as r xy covariance of xy divided by variance of x variance of y mu 1 2, mu 1 1 and mu 2 2। इसको सिंपल r से भी डिनोट करते हैं, और इसको ये कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशियंट कहलाता है। कोवेरियंस की वैल्यू अगर हमने पुट कर दी, फॉर्मूला क्या है कोवेरियंस का, 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय वाई आई माइनस वाई बार। वेरियंस का फार्मूला 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, 1/n समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसको पूरे को सॉल्व किया, कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, n समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई समेशन ऑफ वाई आई, n समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अंडर रूट एंड अंडर रूट ऑफ एन समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यूज हमें दी हुई है 7, 12, 8, 12 अप टू 13 तक, वाई की वैल्यूज दी हैं 9, 16, 14 अप टू 18 तक। इन दोनों का कॉलम 1 एंड कॉलम 2 का हमने मल्टीप्लाई किया, एक्स आई वाई आई 63, 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 63, 12 मल्टीप्लाइड बाई 16 192 इज एंड सिमिलरली 13 मल्टीप्लाइड बाई 18 थ्रू 234। एक्स आई स्क्वायर इस फर्स्ट कॉलम का स्क्वायर कर दिया, 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 114 एंड सिमिलरली 13 का स्क्वायर 169। वाई आई स्क्वायर, वाई की जो वैल्यू सेकेंड कॉलम में दी हुई है उनका स्क्वायर कर दिया, 9 का स्क्वायर 81, 16 स्क्वायर 256 एंड सिमिलरली 18 स्क्वायर 324। अगर हम पीछे देखते हैं फॉर्मूले में क्या चाहिए, समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर एंड समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स कहाँ से मिलेगा, इस एक्स का टोटल 180, समेशन ऑफ y इसका टोटल 210, समेशन ऑफ xi 2577, समेशन ऑफ xi स्क्वायर 2320 एंड समेशन ऑफ yi स्क्वायर 3050। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन, ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई, सारी वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में पुट अप किया, सॉल्व किया, आंसर आया 0.43। साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर, अभी हमारा आंसर आया प्लस में,
इसका कोरिलेशन हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, इससे पहले पढ़ा, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ ये देखेंगे, तो सबसे पहले अगर हम इसमें जाते हैं, कोरिलेशंस आर रेंज इन वैल्यू फ्रॉम माइनस वन टू ज़ीरो टू प्लस वन, मतलब आर की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में वैरी करती है। इसलिए हमारा एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम्पल था और इसमें आर की वैल्यू प्लस 0.43, ये प्लस 0.43 आई थी, तो ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंगली हमारी सही है, यानी कि हमारा वन की रेंज के अंदर आया है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू जो हमने आर निकाला है, फाइंड आउट किया है, तो ये हमारी वैल्यू सही है। हम लोग इससे अपने आंसर को काफ़ी हद तक इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? द पियर्सन कोरिलेशन टेल्स टू थिंग्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। फर्स्ट, द साइन ऑफ आर पॉजिटिव और निगेटिव इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। ये जो प्लस साइन हमारा आया है, ये एक्स और वाई जो दो वेरिएबल्स थे उनके डायरेक्शंस उनको मेज़र कर रहा है, मतलब दोनों के दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ए प्योर नंबर हैविंग नो यूनिट। कोरिलेशन कोफिशिएंट की कोई यूनिट नहीं होती है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, माइनस वन से प्लस वन के बीच में वैरी करता है। इसकी वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में ही आएगी। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल, दैट इज इफ़ यू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए एंड वी इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी। अगर हम ये करते हैं तो ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम इसका कर देते हैं तो आर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। Then R X Y is equals to R U V and it is independent of A and B. इसके जो A and B जो हमारा origins हैं उनसे ये independent है। If correlation coefficient between X and Y be R and regression coefficient जो कि हम next unit में पढ़ेंगे, regression coefficient be Y X and be X Y, then R की value जो होगी वो दोनों regression coefficient be X Y and be Y X के multiplication का under root के बराबर होगी। द साइन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर सेम। इफ़ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, देन आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो आर ज़ीरो होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर आर ज़ीरो है तो दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन दो वेरिएबल्स अगर इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन कोफिशियंट की वैल्यू ज़ीरो हमेशा होगी। आर स्क्वायर, द स्क्वायर कोरिलेशन कोफिशियंट इज रेफर्ड टू एज कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन, वाइल वन माइनस आर स्क्वायर एज कोफिशियंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। द क्वान्टिटी अंडर रूट ऑफ वन माइनस आर स्क्वायर इज रेफर्ड टू एज कोफिशियंट ऑफ ए लीनियंट बिलो, सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड। इंटरप्रिटेशन ऑफ वैल्यू प्लस वन, माइनस वन और ज़ीरो। आर की वैल्यू अगर हमारी माइनस वन है या प्लस वन है या ज़ीरो है तो इनका क्या इंटरप्रिटेशन होगा? सबसे पहले हम देखते हैं, इफ़ आर इज इक्वल्स टू प्लस वन, इट मींस रैंडम वेरिएबल वाई इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स विच इंश्योर्स परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। इन दिस केस ऑल पॉइंट्स इन टू स्कैटर डायग्राम लाइन ऑन द स्ट्रेट लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम लेफ्ट bottom to right bottom, if there is an increase in x then there will be proportional increase in y, यानी कि if r is equals to plus 1 then this is perfect positive correlation. If r is equals to minus 1, it means that random variable y decrease with the increase in x and vice versa. There is perfect negative relationship between the variables. All the points in the scatter diagram, that is on the straight line is extending from left top to right bottom. It means this is perfect negative correlation. The value r is equals to 0 confirms the lack of linear relationship between two variables. All the points are scattered on the graph and hardly any of these points lies in the straight line. यानी कि कोई भी पॉइंट आपके स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे हैं। पहले की फिगर्स में जो फिगर्स दिखाई थी उसमें हम लोग ये तीनों ही चीज़ें देख चुके हैं। नाउ इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन द कोरिलेशन कोफिशियंट।
अभी हमने पढ़ा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आर के पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम स्केल भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं तब क्या होगा, लेट यू इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एंड वी इज़ इक्वल्स टू वाई माइनस बी अपॉन डी, वेयर ए बी एंड सी डी आर फोर आर्बिट्रेरी चूजन कॉन्स्टेंट करस्पॉन्डिंग टू ईच टू पेयर ऑफ वैल्यूज़, वी हैव अ पेयर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द न्यू वेरिएबल्स दैट इज़ यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन सी एंड वी आई इज इक्वल्स टू वाई आई माइनस बी अपॉन डी एंड एक्स आई इज इक्वल्स टू ए प्लस सी यू वाई एंड एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सी यू बार। सेम ये एक्स आई की वैल्यूज है, सेम वाई बार इज की वैल्यूज वहाँ पर निकाली है एंड को वेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी डी समेशन साइन यू वाई u बार माइनस u बार vi आई माइनस वी बार डिवाइडेड बाई एन विच इज इक्वल्स टू सी डी को वेरियंस ऑफ यू वी। नाउ वेरियंस अगर हम देखते हैं, और हाँ एक चीज़ यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि ये जो x बार और y बार के फॉर्मूले हैं ये हम लोग पहले की यूनिट्स में हम लोग निकाल चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और वहाँ पर मीन का क्या चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है या नहीं, या इफेक्ट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल हम लोग मीन के केस में और वेरियंस के केस में पहले पढ़ चुके हैं, तो ये फॉर्मूले हमने पहले की यूनिट से ही ये वहाँ से आए हुए हैं। तो वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर वेरियंस ऑफ यू एंड वेरियंस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वेरियंस ऑफ वी। यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट अप करें तो आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन मॉडुलस साइन सी डी आर यू वी। This means if C and D are same sign, then Rxy is equals to Ruv. If C and D are opposite sign, then Rxy is equals to minus Uv. Thus, the coefficient of correlation is independent of change of origin, but not scale. कैसे इसको कह सकते हैं? Origin हमारा था A और B. यहाँ हमने origin shift किया था. C and D ये हमारा scale shift हुआ था. तो जब हम फाइनल फॉर्मूले में पहुंचे हैं तो कहीं पर भी ए बी नहीं आ रहा है, मींस ओरिजिन से ये इंडिपेंडेंट है, सी डी आ रहा है, स्केल यहाँ पर इन्वॉल्व है। स्केल चेंज करेंगे तो हमारे फॉर्मूले में ये कोफिशेंट आ जाएगा, और अगर स्केल चेंज नहीं करेंगे तो आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर यू वी। इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट दे आर अनकोरिलेटेड But converse is not true. As mentioned above, we found that when x and y are independent, then covariance of x and y will be 0 and then xy is equals to 0. Thus, when x and y are independent, then there is no correlation between x and y. However, the converse is not true. Shortcut method. The above direct method of the calculation R is not convenient when the terms of series y, x and y are big and the calculation of x and y becomes difficult, or the means of x or y are not integers. In these cases, we apply the following formula of assumed mean. Rxy is equals to summation of dx dy minus summation of dx summation of dy divided by n. Under root of summation of dx square minus summation of dx square by n, under root of summation d, sorry यहाँ पर y होना चाहिए था, dy square summation dy square upon n, where dx is equals to x minus a, a is assumed mean of the series and dy is equals to y minus b and b is the assumed mean of the y series and n is number of observation of x and y. एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। दो वेरिएबल्स हमने लिए हैं x और y, जिनकी की ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, और इसको हमने चेंज कर दिया dx is equals to x minus 23 and dy is equals to y minus 27, यानी a की वैल्यू 23 एंड b की वैल्यू 27। टेबल के थ्रू x की वैल्यूज हमें गिवन है, y की वैल्यूज हमें गिवन है, dx हमने चेंज किया x माइनस 23, सब में से 17 में से 23 माइनस किया,
माइनस सिक्स, नाइनटीन माइनस ट्वेंटी थ्री माइनस फोर, ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी थ्री माइनस टू एंड सिमिलरली डी वाई, वाई माइनस ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस फोर, ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन ज़ीरो, ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस टू, ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस वन एंड सो ऑन डी एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए? ये फॉर्मूला है, हमें समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई चाहिए, समेशन डी एक्स चाहिए, समेशन डी वाई चाहिए, डी एक्स स्क्वायर चाहिए एंड समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर चाहिए। डी एक्स का स्क्वायर चाहिए, वो यहाँ से आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे इस कॉलम का, इस पूरे कॉलम का, माइनस सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स, माइनस फोर स्क्वायर सिक्सटीन, माइनस टू स्क्वायर फोर एंड सो ऑन। डी वाई स्क्वायर चाहिए, डी इस वाले कॉलम का, डी वाई वाले कॉलम का हम स्क्वायर करेंगे, माइनस फोर स्क्वायर सिक्सटीन, ज़ीरो का ज़ीरो, माइनस टू स्क्वायर इज़ फोर। दूसरा हमें चाहिए डी एक्स वाई, डी एक्स और डी वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इन दोनों कॉलम को यानी थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस सिक्स माइनस फोर इज़ ट्वेंटी फोर, माइनस फोर एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो, माइनस टू माइनस टू फोर एंड सो ऑन। हमें टोटल किसका किसका चाहिए? समेशन ऑफ डी एक्स ज़ीरो आ रहा है, समेशन ऑफ डी वाई ज़ीरो आ रहा है, समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर 124, समेशन ऑफ डी वाई 70 एंड समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई विच इज़ 48। ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है जो कि पीछे से लिया हुआ है, पीछे शो किया हुआ था इसको। सभी वैल्यूज़ रख दी, समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई की वैल्यू, ये दोनों ज़ीरो थे तो ज़ीरो, ये सारी वैल्यूज़ पुट अप कर दी, कैलकुलेट किया, आर एक्स वाई की वैल्यू आ गई 0.517। यानी कि ये हमारा माइनस वन से प्लस वन की रेंज में है, इट मीन्स ये कैलकुलेशन हमारी काफ़ी हद तक सही है, सही कैलकुलेशन है। नाउ समरी, इसको पढ़ने के बाद हमने क्या क्या सीखा? हाँ, कुछ और एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उनके कोरिलेशन कोफिशियंट्स क्या क्या आ रहे हैं ये आप लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स वहाँ पर गिवन है, दोनों ही केसेस के, शॉर्टकट मेथड भी और विदाउट शॉर्टकट मेथड भी, दोनों ही एग्जांपल्स वहाँ पर गिवन है बुक में। नाउ समरी, कोरिलेशन मीन्स रिलेशनशिप एंड कोरिलेशन कोफिशियंट इज़ द मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। इट इज़ डिफाइंड एज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशियंट और कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशियंट। इफ द रिलेशनशिप एक्स एंड वाई इज सच दैट बाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वन वेरिएबल अदर ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज चेंजेस इज इन द सेम डायरेक्शन, कोरिलेशन इज सेट टू बी पॉजिटिव अदरवाइज निगेटिव। अगर डायरेक्शन सेम है तो कोरिलेशन पॉजिटिव है, नहीं तो निगेटिव है। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो निगेटिव है। वेन ऑब्जर्वेशंस आर टेकन ऑन टू वेरिएबल्स एंड एक्स एंड वाई ओवर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और यूनिट्स एंड दीज वैल्यूज आर प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ बाई पुटिंग ए पॉइंट फॉर ए पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल और यूनिट, द फिगर दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्कैटर्ड डायग्राम और डॉट डायग्राम। दिस डायग्राम गिव्स ए रफ आइडिया अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। स्कैटर डायग्राम को देख के एक रफ आइडिया लग जाता है कि हम एक्स और वाई जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में किस टाइप का कोरिलेशन कोफिशियंट है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कोरिलेशन कोफिशियंट, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशियंट को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी हम लोगों ने इसमें देखा। प्रैक्टिस के लिए हम लोगों को कुछ एग्जांपल्स जो है बुक में दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्लस यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात मैं कहूँगी कि जैसे जैसे स्टैटिस्टिक्स में हम आगे बढ़ते जाते हैं पुरानी चीज़ों को हमेशा याद रखना पड़ता है। जैसे कि इसमें कई जगह आया है मीन, वेरियंस, कोवेरियंस, जो कि इस पर्टिकुलर इस लेक्चर में तो नहीं बताया गया है लेकिन इससे पहले के लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं।
जिस तरीके से मैथ्स में पहले के एडिशन मल्टीप्लिकेशन मैथ्स के जो रूट होते हैं उनको आपको याद रखना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, सेम उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स में पीछे के सारे फॉर्मूलों को याद करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ कहते हैं कि वो तो वहाँ ख़त्म हो गया अब आगे नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे से लिंक है सारी चीज़ें। आपको पुराना पूरा पढ़ते रहना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस उसको देखना पड़ेगा और उसको अच्छे से लर्न करेंगे तभी हमें आगे की जितनी भी चीज़ें हैं वो समझ में ईजली समझ में आती जाएंगी। तो इस तरीके से इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से देखिए। थैंक यू।